हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक से प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो इसमें हमने कल की वीडियो में सेट नंबर 1 कराया था, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 कराएंगे। इसके बाद बारी बारी से ऐसे चलता रहेगा। 20 सेट कराने के बाद आपको क्विज दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हम कितना मतलब पढ़ पाए हैं और कितना हमारा रिवीजन हुआ है। तो अगर आप ये नहीं देखे हैं कल का सेट नंबर 1, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सेट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहले सवाल। चलिए सेट नंबर 2 का पहली सवाल देखते हैं। इसमें देखिए पहली सवाल क्या लिखी गई, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक रेडियो सेट 475 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाए तो रेडियो सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कैसे। कह रहा है कि एक रेडियो सेट को 475 में खरीदा, यानी कि कोई आदमी था, वो 475 में रेडियो खरीदा। कितने में? 475 रुपये में। उसको कह रहा है 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब वो खरीदा 475 में और इस पर 20% लाभ पाया तो बेच दिया उसको। तो देखते हैं कि इसका लाभ कितना होता है। 475 का 20% लाभ, हम डायरेक्ट लगा देते हैं कि 20% लाभ जो होगा 475 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 करना 20, 20 पंचे 100, 5 करना 5, 5 9 45, 2 बचा हो गया 5 5 25, जोड़ेंगे 5 5 10, 9 7 16, 16 1 17 और 4 में जोड़ेंगे 5, यानी 570 रुपये में बेच दिया। आपका ऑप्शन नंबर तो सही है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3 एवं 3/5 भाग का अंतर 13 हो तो संख्या बताइए। देखिए वीडियो को अगर आप पूरा देखें, लगातार देखें, तो चाहे जितनी सवाल कठिन हो लेकिन आपको बहुत आसानी से आएंगे। और आप जानते हो कि बहुत जल्दी नवोदय का मतलब जो पेपर निकलेगा, आप जैसे परीक्षा में बैठोगे गणित का पेपर तो एकदम देखते ही मान खा जाओगे, इतना सरला हो जाएगा। आप पूरा देख तो लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दूसरी सवाल कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 एवं 3/5 भाग का अंतर। मान लीजिए संख्या x है तो इसका 2/3 भाग 2/3 और इसी का 3/5 भाग का अंतर, अंतर मतलब घटाना 13 दिया है कि इसका इसका घटाएंगे तो 13 आ रहा है। संख्या पूछ रहा है कि ये संख्या क्या है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए घटा दीजिए इसका लासा, 5 3 15, तो इसमें देखिए 3 से 15 भाग देंगे 5 आएगा, 5 2 10 और 3 3 9, यहाँ माइनस करेंगे 3 3 9 बराबर हम 13 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, और इसका हम तिरिया गुणा कर देंगे, 15 3 45, 15 1 9 15, 15 4 19, वह संख्या क्या है? 195, यानी आपका पहला विकल्प सही है, ठीक है ना। कोई अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। 195 वह संख्या है जिसमें अंतर 13 घटाने पर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है ए रेशियो बी 14:15 है तो ए रेशियो सी 5:12 है तो बी रेशियो सी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए रेशियो बी दिया है 14:15, तो ए रेशियो सी बराबर 5:12 दिया, ठीक है। तो बी रेशियो सी पूछ रहा क्या होगा। देखिए बी रेशियो सी, अगर हम ए अपान बी दिया है बराबर 14:15, इसको हम बी अपान ए कर दें तो क्या हो जाएगा? बी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा? 15/14, मतलब ए अपान बी है, ये पलटा बी ऊपर गया तो ये भी 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अगर हम बी अपान ए इंटू ए अपान सी का मल्टीप्लाई करें तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? बी अपान सी, यानी बी रेशियो सी। तो यहाँ पर जो दिया है 15/14 बी अपान ए, इसको रखेंगे और ए अपान सी यानी 5/12 रखेंगे, काट दीजिए 3 4 12, 3 5 15 बराबर क्या होगा? 5 5 25 और 14 4 56, यानी बी रेशियो सी बराबर 25:56 है, 25:56, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कह रहा है 10 लड़कों के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 640 है, यदि उनमें से एक लड़का जिसका प्राप्तांक 760 है चला जाता है तो शेष लड़कों के औसत अंक कितने होंगे। देखिए 10 लड़कों के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 640 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 10 × 640
और जो एक लड़का चला जा रहा है उसका प्राप्तांक 760 है, इसमें घटा देंगे, शेष लड़का कितना बचेगा? 9 बचेगा। देखिए 10 बच्चा था तो उसका 640 था, गुणा कर देंगे कि 10 लोगों का कितना होगा, उसके बाद एक जो चला गया उसका दिया उसको हम घटा देंगे, तो शेष पूछ रहा है 10 था एक चला गया तो 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे, 6400 माइनस 760 बटे 9, कटाएंगे 0 बचा, यहाँ से दाएँ उधार लेंगे तो 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 5 बटे 9। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 6 54, 2 बचा हो गया 24, 9 2 18, 18 6 24, यहाँ बचा 60, यानी 9 6 54, फिर 9 6 54 6, यानी 626.66, ये उसका औसत हुआ। ठीक है ना, शेष लड़कों का औसत अंक कितना हुआ? 626.66, यही आपका उत्तर है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोई नाविक धारा के विपरीत 6 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक धारा के अनुदिशा में 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है ना, देखिए इस तरह क्वेश्चन जब आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि नाविक का वेग जो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाविक का वेग क्या है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है धारा का वेग 2 किलोमीटर। देखिए नाविक धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत कहे तो जो इसमें धारा का वेग दिया घट जाएगा, यक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में का विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 42 किलोमीटर, समय 6 घंटे, तो चाल इनकी घट जाएगी। ठीक, जो नाविक की चाल है और जो धारा की चाल है घट जाएगी, विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, तो घटा दीजिए x माइनस 2 हो गया, और 6 6 6 7 42, यानी x बराबर 7, ये 2 उधर जाएगा प्लस 2, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया? 9। ये पहली कंडीशन थी, फिर से समझिए इसको। कह रहा है कि मान लीजिए अब नाविक की जो चला रहा है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो धारा के विपरीत जा रहा था, जिधर पानी बह रहा था, जैसे मान लीजिए ये पानी इधर बह रहा था तो इसके विपरीत दिशा में आ रहा था, इधर बह रहा तो वो इधर आ रहा था नाव लेकर, तो उसके विपरीत दिशा में जाएगा, तो विपरीत चाल जो नाविक की चाल होगी और जो धारा की चाल होगी दोनों घट जाएगी, विपरीत चाल घट जाती, तो यक्स माइनस 2 हो गया। तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र? दूरी बटा समय, दूरी दिया है 42, समय 6 घंटे लग रहा है, 42 बटा 6 यानी 7 घंटे में। ठीक है ना, तो यहाँ से अमल करेंगे, यक्स का मान क्या आ गया? 7, यानी नाविक की चाल निकल आ गई 7 घंटे में, जो नाविक इधर से आ रहा था वो 7 घंटे में आ रहा था, और धारा की चाल जो धारा का वेग था पानी बह रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा था, तो पूछ रहा है 6 घंटे में, यानी अब जो समान चाल होगी अनुदित दिशा में चाल जुड़ जाएगी, 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ से हमको यक्स का मान निकल गया। ठीक, तो अनुदिश दिशा में पूछ रहा है 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, समय बराबर दिया है 6 घंटे और चाल कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जो यक्ष का मान निकाला, ये नाविक का चाल हो गई 9 और जो धारा पानी भरा 2, तो 9 2 11 हो गया, समान चाल जुड़ गए। ठीक है ना, अब यहाँ पर समय दिया है 6 घंटे की, 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, तो 11 गुणे 6 बराबर 66 किलोमीटर 6 घंटे में जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? सवाल नंबर अगली देखिए, कह रहा है कि 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? तो देखिए जो 27 पेन दिया है ये क्या है, ये क्रय मूल्य है 27, और विक्रय मूल्य दिया है हमको 30 रुपये, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो लाभ देखिए 27 रुपये में खरीद रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है, तो पता चल रहा है लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। लाभ प्रतिशत पूछा है, डायरेक्ट लगाएं। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ, लाभ कैसे निकलेगा? 30 माइनस 27 बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, क्योंकि लाभ विक्रय में से क्रय घटाएंगे तभी लाभ हमको मालूम होगा, तो यहाँ बचा 3 बटा 27 गुणे 100%, 3 × 3 3 × 27 100 बटा 9, डिवाइड करेंगे क्या होगा, 9 × 9 9 × 9 9, 11 से 1/9% का क्या हुआ हमको? लाभ हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है ना, चलिए अगली सवाल देखते हैं। इसमें दिया है, कह रहा है 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपये है, तो 150 केलों के दाम कितने होंगे?
दर्जन का दाम दिया है कितना, 24 रुपए। तो पूछ रहा है 150 किलो का दाम, 150 किलो का दाम क्या होगा। देखिए एक दर्जन में आप जानते हो 12 होता है, तो 4 दर्जन में कितना होंगे भैया, देखो 4 दर्जन में होंगे 48, तो यानी एक केला का मूल्य क्या हो जाएगा, 24/48, 24/48। तो 150 केला किसमें गुणा कर दीजिए, पहले एक का निकाल लीजिए, 24 × 24, 24 × 48, 1/2 रुपए। तो 150 किलो का मूल्य क्या होगा, 150 × 2, 2 × 14 × 2 = 10, यानी 150 किलो का मूल्य 75 रुपए। ठीक है ना, आपका इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखिए एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 4 दर्जन में 48 होगा, तो एक केला निकालेंगे 24/48 हो जाएगा, 150 को गुणा कर देंगे जो आएगा वही उत्तर है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है संख्या पैटर्न 5, 10, 17, 26, 37 डॉट डॉट अगला पद क्या होगा बताइए। 5, 10, 17, 26, 37 अगला पद क्या होगा बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 72, 50, 48, 43, बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5, पहले देखेंगे कि यहाँ 10 कैसे आए। अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 = 4, इसमें एक जुड़ रहा है तब 5 हुआ। ठीक, 10 को हम देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, इसमें एक जुड़ रहा है। 17 को देखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, एक जुड़ रहा है। ठीक, इसको देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, एक जुड़ रहा है, 5 × 25 = 26। इसको देखेंगे 6 का स्क्वायर एक जुड़ रहा है, 6 × 36 = 37। तो इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे, 7 × 7 = 49, 49 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, यानी अगली संख्या आपका क्या होगी, 50, आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है, तो दर कितनी है। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए 5 वर्षों में या 10 वर्षों में दोगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना, तो आपको क्या करना है, जो ट्रिक बता रहा हूँ यही ट्रिक आप लगाइए, इसी पर सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए 100 लिखिए गुणा जितना गुना कहे, जैसे 4 गुना कहे 3 से गुणा करना है, उससे कम, 5 गुना कहे तो 4 से करना है, 2 गुना कहे तो 1 से करना है, मतलब 2 गुना कहे तो 1 से, 3 गुना कहे 2 से, मतलब उससे कम, यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 गुना कहा है 1 से कर दीजिए, और 5 वर्ष में 5 करना, 5 × 5 = 10, 5 × 0 = 20, 20% क्या आ गई, दर आ गई, यही आपका उत्तर है। ठीक है ना, जो आपको 5 वर्ष 4 वर्ष दे उसको नीचे डिवाइड करना है, और 2 गुना कहे तो 1 से, 3 गुना कहे तो 2 से, आपको उससे कम करना है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या लिखी गई है, कि यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ और विकर्ण का योग समान है तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। हम बनाते हैं, आप तब तक लगाइए यहाँ। देखिए इस तरह सवाल आपको अभी बताया था इसके पहले सेट में, कि इस तरह सवाल को आप किस प्रकार लगाएंगे, इसमें देखिए एक जरूर दिया होगा कहीं ना कहीं, पूरा पूरा 9, 5, 14, 15 जो दिया है उसको जोड़ लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या बताया था, कि आप चाहे सीधा सीधा चाहे जैसे करके आपको एक निकालना है, तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं, 9 × 4 = 13, इसी 15 में 13 घटाएंगे क्या आएगा, 2, तो x का मान क्या निकल कर आया, 2। ठीक है ना, यही 15 मतलब एक जो दिया रहे, चाहे इस तरह दिया रहे, चाहे इस तरह दिया रहे, चाहे जैसे दिया रहे, आपको एक जोड़ लेना है, उसके बाद जो 2 संख्या दी रही उसी में घटा दीजिए, जो आएगा वो x का मान, ठीक, जो संख्या लिखी रहेगी। अब देखिए 7, 5, 12, 15 में हम 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह देखिए 8, 1, 9, 15 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 6, यानी z का मान क्या आ गया, 6। तो 2, 3, 6 किस में आ रहा है, पहले में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप मतलब एक जरूर दिया रहेगा पूरी पूरी, उसको आप जोड़ लीजिए, चाहे इस तरह रहेगा चाहे इस तरह, उसके बाद इन दोनों को जोड़िए उसी में घटाइए, इन दोनों को जोड़िए उसी में घटाइए, जोड़ के घटा देंगे क्लियर उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना।